ये चर्बी है, इसको डालेंगे तो तेल की क्वांटिटी हमको इसीलिए बुलाते क्या? ये सारे पीसेस है, कोई तो जानबे नहीं करता क्या पीसेस होगा। जिंदगी में पहली बार वो देख रहा होगा। अच्छे से मटन को धुल लीजिए। नहीं 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 सर, अब ऊपर से पॉज होगा। बारीक प्याज काट लेना है, ये रफ्तार से प्याज काटते हुए प्याज इधर लहसुन की तैयारी, फिर आम जलाया जा रहा है। जैसे हमारे ऐसे नहीं, ऐसे जैसा नीचे उतार रहे, दीदी को दिक्कत हो रहा है। तो वो टेस्ट नहीं आएगा, जो टेस्ट आपको एकदम कूट करके आएगा। अब ये अपने पास नहीं है तो गिलास है, इसमें फूट दे दे। मटन हांडी ऐसे ही हम लोग मिर्ची को भी कूट लेंगे, अदरक को नहीं कूटे। ऐसे ही इनका मुंह भी कभी कूटा जाएगा। अरे उसको एडिट कर देना, मजाक पार्टी हो रहा है, वी आर जस्ट एंजॉयिंग इट, दिस इज नॉट बिजनेस। लहसुन को ऐसे कूट लेना है बारीक, है ना। मिक्सी में पीसेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। अपन इसको ऐसे कूट लेते हैं, ऐसे ही मिर्ची को भी कूट लेंगे। अदरक को नहीं कूटेंगे तो अदरक बड़ा बड़ा उसमें मुंह में पीस आएगा, तो उसको अदरक ऐसे इससे रगड़ लेंगे, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, अदरक को ऐसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा उसको ऊपर उठाइए, इस तरीके से अदरक निकल जाएगा, ऐसे अपना लहसुन निकल जाएगा। प्याज तैयार हो रहा है मटन के लिए प्रॉपर, बढ़िया प्याज कट के रेडी है। मिर्ची हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च का एकदम कम इस्तेमाल करेंगे, सब सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होगा। एक अंडे वंडे आ गए हैं, इसी से अपना आग लगाया जाएगा, अभी जलाया जाएगा। मटके को बढ़िया धुल देना है, थोड़ा सा ऐसे धो भाई, पानी से धुल देना, पानी साफ निकलना चाहिए, तीन चार पानी में करके इसको धुल लीजिए, है ना। यहाँ यहाँ रखिए, नीचे अंडे से करिए, ठीक है। साफ लकड़ी को इस तरीके से पूरा बढ़िया से एकदम अरेंज कर देना है एक बार में। और इसके ऊपर ये डालना है, किसको डालना है? ये हाँ लकड़ी है, कोयला है, चारकोल है, ऐसा आग लग बजा इसमें ये जलाना है, ये कम से कम 2-2.5 घंटे तक ही बना रहे। अंकल पॉज कर दीजिए, नीचे भी पकड़ लिया है। ऑलवेज फेलियर वाला ये सबको रिकॉर्ड करने के लिए 256 GB चाहिए फिर। बना
देखिए ना कितना धुआं है, जल्दी भी नहीं करे सब खा लिया इसमें तो हम आदमी खा रहे हैं। हम लोग भी खिलाएंगे ताकि हम फ्री हो जाएं। देखिए तुम तो आप ही देखिएगा, आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा तो हमको बताइएगा। चलो डायलॉग्स डायलॉग्स गरम गरम तेल डालिए, अलग बात में। अब ये मिर्ची अदरक लहसुन कूटा हुआ मसाला कौन कौन सा है इसमें? हल्दी धनिया लाल मिर्च गरम मसाला चिकन मसाला मीट मसाला नमक। अब इसमें डालेंगे प्याज। आप देखिएगा प्याज आवश्यकता अनुसार प्याज थोड़ा डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा मीट डालेंगे जो पूरा एक बार में ये मिक्स करने में नहीं आएगा। अब मिक्स कीजिए। ये हमारे पास है काला गरम मसाला। नहीं होता वैसे हम बता रहे मिक्सिंग करते हैं। अरे श्वेता घबरा मत, मिक्स हो जाएगा। ये आग जल चुका है, जैसे जैसे था वो इसको थोड़ा सा आग को थोड़ा सा ये करेंगे मतलब सुलगा हुआ आग पे। हांडी का मटन रख ये, इसको फोटो खींचे मैं देखी जो से बताओ कि कैसे हांडी पे बना। ये पूरा मिक्सिंग हो गया, खड़ा गरम मसाला देखिए मिट्टू में लॉक कर दिया फोन। मटन को हांडी के अंदर थोड़ा सा तेल डाल करके इसको गरम कर लेंगे। अब इसको डालिए। इतना सा दिमाग है कब यूज करोगे? पूरा भर देना है इसको बढ़िया से। अब वो उधर जलेगी और लोग घर जाने वाले। देखो इधर से कितनी सारी लकड़ी है। नीचे जो गोईठा रखा हुआ है तो फिर जल जाएगा तो पैकिंग कैसे क्या करते हो? वैसे नहीं साफ करना डियो। पूरा पैकिंग की जरूरत नहीं है क्या? बहुत खुश भाई सुधार रही हूँ। तो तुमने कब भी बजट लिया उसका? एक बार दिखाओ कुछ ज्यादा फेमस फिर भी देखेगा। एक मिनट रुकी तो वीडियो आप मेरा बात नहीं मानते ना यही हमको समझ में नहीं आ रहा। लगाने का जो तुम बोलो वैसे ही पैकिंग होगा। रुको 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 वो पूरा भूल गया आज। आज तो मैं गया ये जब पकेगा ना तो पैक हो जाएगा। ये ऐसे नहीं इसको पलट के लगाया जाता है, एक बार जब बोल देते तो समझ में नहीं आता। हमको भी कंफ्यूजन था कि आप ये बात ही नहीं मानते ना दीदी, मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। और एक ही बार अब खुलेगा वो, इसको बगड़ बगड़ हिलाना है और एक ही बार खुलेगा। होल किया जाता है पर इसमें कि थोड़ा सीकी से नहीं वो चेक करने के लिए चेक करने के लिए नहीं वो सीधा एक ही बार उठता है ऐसे ऐसे मिक्स किया जाता बस। तो ये आग ऊपर आएगी उसके वजह से अब रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको। ट्रांसफर प्रोसेस है ऊपर आए नीचे गिरे ऊपर आए सफिशिएंट आ गया और आग लगाएं और लगेगा। देख लिया इंटरेस्टिंग बात अभी तो रखो ना धीरे धीरे बढ़ा देंगे ठीक लगेगा। तू उठा के ले आओ छोटा छोटा जो टुकड़ा रहे वो गिरेगा नीचे का। क्यों? तो खाना छोटा छोटा बना है
अरे भाई को दिखा प्लीज। इस तरीके से रख करके अब इसको 40 मिनट तक छोड़ देंगे। 40 मिनट के बाद फिर इसका स्टेटस देखेंगे कि क्या ऐसा स्टेटस है इसका। 40 मिनट तक के लिए ऐसे आग के ऊपर आटा से इसको प्रॉपर पैक करके इसको ऐसे अब छोड़ देते हैं। यह है पुदीना का पत्ता, मिंट वाला रायता बनेगा इससे। इस तरीके से पुदीना में से पत्ता को अलग कर देंगे, ये पत्ते को मिक्सी में पीस देंगे और फिर दही के साथ मिक्स करते हैं। ये हमारा मिंट रायता भी इधर रेडी हो गया है। एक पीस निकालिए इसमें से, देखिए तो मत बजाओ, डस्ट उड़ेगा इसमें से, मटन में जाएगा। बस करो, रुको एक बार चेक करो ना पहले। छटक के गिर जाएगा, रख के नीचे भाई होगा, अभी थोड़ा सा और होगा, पक्का नहीं है। परसेंटेज चेक करो कितना परसेंटेज क्या मजाक है। व्हाट यू हैव डन, ये है मटन। बढ़िया हड्डी छोड़ दिया है ये मटन, प्रॉपर गला भी है। चल स्मोकी फ्लेवर का, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर करने के लिए इसमें रुक जा, वहां नीचे है मटन डाल पाओगे? रहने दो, छोड़ दो ना, मत करो, थोड़ा ही सा बटर डालना रुको। देखिए कैसे रख पाएंगे, जाएगा उसमें। देखो देखो तुम्हारा चंपारण वाला तुम्हारा तैयार हुआ कि नहीं, पहले बताओ तुम्हारा तैयार हुआ कि नहीं, पेट देना है, तुम्हारा तैयार हुआ पलटा गया उसी। तुम अपना मामला रेडी कर, दिखा श्वेता दीदी को तुम्हारा कैसा मामला रेडी हुआ गया उसी। बताइए ये देखिए इधर, इसको रिकॉर्ड करना प्लीज। क्या कर रहे हो? देखिए देखो तुम बस सही बना ना, एकदम सही बना। देखो तुम अभी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है ना, नहीं पलटा है तुम डाल दो। हाँ तुम्हारा दिखा दो भैया को, दिखा दो दिखाइए, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा कुकर में बनाए के हांडी में जी, दिखा दिखा भैया को। ये हो गया स्मोकी फ्लेवर, थोड़ा सा आगे में बटर डाल करके कर दिए, ये स्मोकी फ्लेवर जा रहा है इसके अंदर। अब निकालेंगे, हाँ उसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ऐसे ही करते हैं। ये तो मुझे दे दीजिए, फिर गिर जाएगा, ट्रस्ट में गिर जाएगा। लाइए लाइए दीजिए, पकड़िए आप इसको भैया, आप उधर बैठ जाइए, उधर ठंडा लगेगा।
धनिया डाल दिया गया है और हुना मटर ये मटर बाबू रायता लगा ले फ्रिज से। ये हुना मटर हमारा तैयार हो चुका है। दीदी आप ये सबको ये सर्व करते जाइए। दीदी थोड़ा सा सैलेड डाल दीजिए उधर भैया पर। हुना मटर ये हमारा हुना मटर निकल चुका है। बैठिए भैया को, नहीं तो उधर गद्दा लगा के आराम से। अरे इधर हम लोग बैठ जाएंगे। हां इधर हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग सैलेड ये स्पून लेके बैठिए। एक स्पून प्रॉपर पका है तो बाप रे प्रॉपर पका। इसमें दे दूं क्या ये बाउल में? हाँ दीदी बाउल में ही दीजिए। हड्डी भी छोड़ रखा है। इधर हम बैठेंगे, इधर आप बैठेंगे, उधर सर्कल बैठेगा, इधर ये और ये जी भैया और ये बाबू नहीं आएगा। दीदी रख देना उसके खा लेगा जाके, समझिए इधर भाग भूख के खाएगा नहीं। फिर लगेगा मुझे भूख लगेगा। हाँ दीदी नहीं।